अभी ना बोलेगा, अभी नहीं। मैं कोमल गुप्ता, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल सरई, जिला सिंगरौली। विगत दिवस कबाड़ चोर के मामले में, चोरों के संबंध में मेरे ऊपर कई तथाकथित पत्रकारों के द्वारा यह न्यूज चलाया जा रहा है कि भाजपा नेता इस गिरोह में शामिल है। मैं सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि रिश्तेदार होना कोई किसी का गुनाह नहीं है, लेकिन यदि जिस व्यक्ति ने जुर्म किया उसको सजा मिली। इसके बावजूद भी मैंने कभी किसी न TI को फ़ोन किया, न किसी पुलिस वाले को फ़ोन किया, न किसी से मदद मांगी कि वो किसी की सहयोग करे। ये मेरा कहना इसलिए था, या मैं किसी सहयोग इसलिए नहीं कहा, उसका कारण है हमारी सरकार खुद कह रही है कि किसी भी प्रकार से जो अवैध तरीके धंधा कर रहे हैं उनके ऊपर हमारी सरकार सख्त है और कार्रवाई कराने के मूड पे है, और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और मैं उसी अपने संगठन और अपने सरकार का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता यहाँ पे बैठा हूँ, और मैं किसी गैर इरादतन या फिर जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनका मैं संरक्षण करूँ, ये मेरे हित में या मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, जिस कारण से मैंने किसी की सहयोग नहीं की। लेकिन कुछ तथाकथित पत्रकार बंधु जो हैं वो बार बार मेरे नाम को कई बार उछाल चुके हैं, जबकि मैंने उनको कई बार ये बोला भी है कि आप कभी भी मेरे नाम पे ये न्यूज़ चला रहे हैं, एक बार मुझसे पूछ लीजिए कि इस बात की हकीकत क्या है। लेकिन वो इस बात को पूछने से पहले ही न्यूज़ को चलाना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, चलाएं, लेकिन मैं भी बता दूं कि इस न्यूज़ से मैं काफ़ी आहत हूं, और मैं इनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने न्यूज़ चलाया है मैं सबके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, और मैं न्यायालय में जाऊंगा, और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए मैं कल सभी से मिल करके मैं एक लिखित पत्र दूंगा, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा। और मेरा बार बार ये कहना है, किसी का रिश्तेदार होना मेरा गुनाह नहीं है कि कोई किसी का रिश्तेदार चोरी कर रहा है, कोई किसी का रिश्तेदार छेड़खानी कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप उसके रिश्तेदार का नाम उसमें शामिल करके और बाहर आप उजागर करें। मेरा सबसे निवेदन यही है कि जो सही है उसको आप न्यूज में चलाएं, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। इसी के साथ और एक विषय ये आती है कि पुलिस कार्यवाही में कुछ न कुछ कोताही बरती है। कोताही क्या बरती है या फिर रंजिश क्या की है कि जिसका पिकअप बाबूलाल गुप्ता की गाड़ी, जिसके में 2 नंबर का माल लदा था, और जिसके माल लदा है वो गाड़ी थाने में खड़ी है, वो गाड़ी जब्त हुई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दो दिन वो कहते हैं कस्टडी के अंदर था, लॉकअप के अंदर, उसकी फोटो भी मेरे पास है, हैं? और इसके बावजूद उसको बाइज्जत बरी करना है, मुखबिर बना करके बरी करना, ये गलत है। या तो लेन देन करके बरी की है, या तो फिर कोई न कोई साजिश के तहत उसको छोड़ी है, ये सरासर अन्याय है, इसलिए उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है पुलिस अधीक्षक महोदय सिरौली से, पुलिस जिला कलेक्टर सतना से, और मैं इसके खिलाफ अभी यदि ऐसा कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती है तो मैं बता दूं कि मैं इस पर धरना भी बैठूंगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं तो कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए। मैं यही सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।